सो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी गाइस। मैं बताऊँ, मेरे पास कितने सारे लोगों ने कमेंट किए हुए थे कि भाई आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में भी कुछ बताओ, कि अगर तुर्की में हमको एज अ मैकेनिकल इंजीनियर काम करना हो अभी के टाइम पे, तो हम कैसे कर सकते हैं, कितनी सैलरी मिल जाती है हमको, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं वीजा के लिए, कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बताऊँ, कई लोगों ने बेसिकली इससे डिप्लोमा से कोर्स कर रखा है, कई लोग बीटेक से भी हैं, कई लोग फ्रेशर हैं, अभी पूछ रहे थे भाई एज अ फ्रेशर हमको कितनी सैलरी मिल जाती है, या फिर अगर हमको 2 से 3 ईयर का 1 से 2 ईयर का एक्सपीरियंस है फिर हम कितना तक अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको वीजा के लिए कुछ डॉक्यूमेंट शेयर कर देता हूं, जो कि काफी जरूरी डॉक्यूमेंट्स है। वो सारे डॉक्यूमेंट आपके पास रहेंगे तो ही आप काम कर पाओगे, उसके बाद मैं आपको सैलरी बताऊंगा। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, देखो अगर आपने अपनी कोर्सेज डिप्लोमा या फिर बीटेक कंप्लीट कर लिया है तो आप एक काम जरूर करना, आप कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस ले लेना। ठीक है, एक्सपीरियंस पे आपको बेनिफिट ये होगा, जो आपका जॉब ऑफर लेटर आता है, कंपनी जब आपका सीवी या फिर आपका रिज्यूमे देखती है तो सबसे पहले एक्सपीरियंस नोटिस करती है कि बंदे के पास एक्सपीरियंस कितना है, उसके हिसाब से आपकी सैलरी लगाती है। और जितनी अच्छी आपकी एक्सपीरियंस रहेगी उतनी जल्दी आपको जॉब ऑफर लेटर में मिल जाएगा और आपको सैलरी भी अच्छी लगेगी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। अब मैं बात करता हूँ डॉक्यूमेंट के बारे में जो आपको जरूरत पड़ेगा। पहला तो है आपका 1 से 2 से 3 ईयर का एक्सपीरियंस जरूर ले लेना। सेकेंड डॉक्यूमेंट है आपका वैलिड पासपोर्ट, जो आपने नहीं बनवाया है तो फटाफट बनवा लो, मैंने एक जगह पर लिखा हुआ है तो सारी चीज़ें एक जगह आपको बता देता हूँ। पहला है आपका वैलिड पासपोर्ट, आपका जो भी क्वालिफिकेशन कॉपी है, जितनी भी आपने पढ़ाई की है सारी की सर्टिफिकेट आप रख लेना। ठीक है, थर्ड डॉक्यूमेंट है आपका पुलिस सर्टिफिकेट, लगता है कि आपके ऊपर कोई पुलिस केस है, क्राइम ऐसा कुछ ना है, वीजा के साथ में आपको सबमिट करना होता है। थर्ड डॉक्यूमेंट होता है बेसिकली आपका प्रूफ ऑफ फंड की भी जरूरत पड़ती है, कि आप तुर्की में जितने दिनों के लिए भी स्टे कर रहे हो आपके पास उतने पैसे हैं या नहीं, एक बैंक बैलेंस होता है मिनिमम, वो आपको दिखाना पड़ता है या आपको एजेंट बता देगा अच्छे तरीके से, बट आप प्रूफ ऑफ फंड की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, फिफ्थ है आपका आइडेंटिटी प्रूफ लगता है, जो भी आपका वैलिड पास हो गया, अगर आप इंडिया से हो तो आधार कार्ड, पैन कार्ड और भी जो भी छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके, जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको जरूरत पड़ते हैं, और बैंक स्टेटमेंट भी आपको देने होते हैं। ठीक है, तो ये भी चीज आपको लगता है, और आपकी तो बस ये सारे डॉक्यूमेंट है और कुछ खास डॉक्यूमेंट नहीं लगता है। और अगर हम बात करें सैलरी के बारे में, तो ऑन एन एवरेज जो मैकेनिकल इंजीनियर्स की सैलरी मिलती है अगर आप डिप्लोमा से हो, ठीक है, तो आपको 18,500 तुर्किश लेरा से लेकर के 28,500 तुर्किश लेरा तक मंथली मिल जाती है। ये डिपेंड करता है आपके वर्किंग एक्सपीरियंस के ऊपर, आपका सैलरी थोड़ा इससे ज़्यादा बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, बट एवरेज इतना तक आपको मिल जाता है। ठीक है, और बात करें अगर बीटेक पे, तो अगर आपने बीटेक में 1 से 2 ईयर का एक्सपीरियंस लिया हुआ है तो आपको लगभग 22 से लेकर के 35,000 तुर्किश लेरा मंथली मिल जाता है। ये भी आपके एक्सपीरियंस के ऊपर ही डिपेंड करता है, बट ऑन एन एवरेज आप इतना तक अर्न कर सकते हो, इसको आप कन्वर्ट कर लेना जहां से भी आप हो। ठीक है, ये सारे आपकी सैलरी हो गई। अप्लाई आप एजेंट के थ्रू भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो, मैं तो कहूंगा एजेंट के थ्रू करो, ट्रस्टेड एजेंट है कोई उसको पकड़ो जिन्होंने पहले से लोगों को भिजवाया हुआ है, क्योंकि काफ़ी सारे फ्रॉड हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं, तो उसके चक्कर में मत पड़ना। ठीक है, ऑनलाइन मत करना अगर आपको ज़्यादा जानकारी नहीं होता, क्योंकि ऑनलाइन में और फ्रॉड होता है, तो ये चीज़ ध्यान देना, थोड़ा बच करके सारे काम करना, सावधानी से करना। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट।